नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के लिए जनवरी मास में तीन बातों को लेकर रहना पड़ेगा सावधान, तीन बातों से रहना पड़ेगा सचेत, वरना दिक्कतें बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। वो कौन सी है इस बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और वार्षिक राशिफल समय समय पर देखने के लिए मिलता रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सिंह राशि के जातक और जातिका है, इनको जनवरी में तीन ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे रहना होगा इनको सावधान। नंबर एक, शारीरिक कष्ट यानी कि स्वास्थ्य को लेकर। नंबर दो, व्यापार नौकरी बिजनेस को लेकर। नंबर तीन, प्रेम संबंधों को लेकर। प्रेम संबंधों को लेके बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके वाणी के कारण, आपके शक के कारण, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर जो आप बहस करते हैं, क्रोध करते हैं, नाराज हो जाते हैं, इनसे आपके दोनों के बीच में, जीवन साथी हो या पति पत्नी के रिश्ते हो, इनमें मनमुटाव या खटास पैदा हो सकती है। नंबर दो, कैरियर नौकरी बिजनेस व्यापार में जहां आप काम करते हैं वहां लापरवाही ना बरतें और ठंडे दिमाग से काम करें, हर किसी से अच्छी वाणी से पेश आने की कोशिश करें, क्योंकि तुम ऑफिस में, नौकरी में, बिजनेस में जहां भी कुछ कार्य करते हैं वहां भी आपका दिमाग ठीक नहीं रहता है, संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है और आप अच्छी वाणी नहीं बोल पाते, छोटी छोटी बातों को लेकर कड़वे शब्द बोल देते हैं, जिनके कारण दूसरे के दिमाग में, दिल में आपके प्रति गलतफहमी हो जाती है और मन में जहर घुल जाता है। नंबर तीन, शारीरिक कष्ट तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि जनवरी मास में आपके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपके सारे अशुभ ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं जनवरी मास में, तो इससे आपकी आंखों में दिक्कत आएगी, दर्द की, सर के दर्द की दिक्कत रहेंगी, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की दिक्कतें रहेंगी, बुखार बन सकता है, टाइफाइड बन सकता है, यानी कि शरीर में आलस्य भर सकता है, ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां आपके सामने आएंगी। तो इसलिए इन तीन चीजों पर आप थोड़ा सावधान लेकर अपने समय को गुजारने की कोशिश करें। मेरे प्यारे मित्रों, आप छोटा सा उपाय जरूर करें, सोमवार को शिवलिंग मंदिर को नहलाएं, शिवलिंग पर जाए, मंदिर में जाकर वहां कुछ सफेद चीड़ों का या पेड़ा वेड़ा वगैरह प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को बच्चों में लाकर जरूर बांटें सोमवार के दिन, या फिर सुबह सुबह गाय को दो रोटी मीठे से दीजिए, और हो सके तो आप शनि मंदिर में शाम के टाइम सरसों का तेल या काले तिल भी चढ़ा सकते हैं और पीपल पे सरसों तेल की जो जला सकते हैं, इससे आपका जीवन थोड़ा अच्छा बन सकता है, आपके ग्रह थोड़े शांत हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए खासकर जो महीने में या मास में या सप्ताह में परेशानियां आती हैं, मैं खासकर उन्हीं समस्याओं को पहले रखता हूँ, जिससे कि हर व्यक्ति अपने समय को लेकर सावधान रहे और सावधानी बरते हुए अपने समय को अच्छा बनाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक नहीं किया है हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को, तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारे यदि ऑडियो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दूसरी बात यह है, यदि आप रोजाना का राशिफल देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आप सुबह 4 बजे अपनी राशियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी माता बहनों को करता हूं नमस्कार, फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।